महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कम नहीं हैं। महिलाएं यदि ठान लें तो हर कार्य को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। यह विचार मध्य प्रदेश के खातेगांव पंचायत सभागृह में गरीब कल्याण सप्ताह व सशक्त महिला सशक्त के तहत आयोजित क्रेडिट कैंप में विधायक आशीष शर्मा ने व्यक्त किए। एनआरएलएम कृति मिश्रा ने कहा कि 31 समूह को 1,45,00,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। सभी समूह को 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे महिला अपना स्वयं का रोजगार देकर स्वयं सशक्त होकर आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम में एसडीएम संतोष तिवारी, सीईओ टीना पवार, जनपद अध्यक्ष गुलाब बाईटाड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष कचरू पटेल, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजावत, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र चौधरी, एनआरएलएम कृति मिश्रा व बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही। देवास से संवाददाता अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। महिलाओं को अच्छी तरह जानता है, इसलिए जब हमारे देश में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई तो उससे हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। आपने गुजरात का मॉडल देखा होगा, किस तरह अमूल डेयरी ने आज पूरी दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़े, किस तरह लिज्जत पापड़ आज महिला गृह उद्योग द्वारा संचालित एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें केवल महिलाएं चला रही है और आज भी विश्व की जो 10 प्रतिष्ठित और सबसे अमीर लोगों की सूची है उसमें भी 2 महिला है। कुल मिलाकर कहना चाहता हूं कि महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। नारी अगर ठान ले तो दुनिया का कोई कार्य उसके लिए असंभव नहीं होगा और इसलिए आज आप देख रहे होंगे जनपद की प्रमुख अधिकारी महिला है, एनआरएलएम में हमारी बहने काम कर ही रही है। ये सब इस बात का परिचायक है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अच्छी ढाल ले तो सब कुछ करके दिखा सकती है, असंभव को संभव करने की ताकत यदि किसी में है तो महिलाओं में। मध्यप्रदेश सरकार ने हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने सबसे पहले आज खातेगांव ब्लॉक में मध्य प्रदेश में सशक्त महिला सशक्त मध्य प्रदेश के अंतर्गत समूहों के 31 समूहों का 1,45,00,000 का ऋण वितरण स्वीकृति किया गया है, जिसमें से हमारे सभी समूहों को 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उसके अंतर्गत महिलाएं अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करेंगी और महिलाएं सशक्त बनेंगी। ये सब 2015 से चल रहा है, सितंबर 2015 से आजीविका मिशन का कार्य चालू हुआ है, जिसके बाद में हमने महिलाओं का समूह गठन का कार्य किया, उसके बाद में महिलाओं को अकाउंट ओपन करवाया, अकाउंट ओपन के बाद में महिलाओं को हम धीरे धीरे बैंक से लिंकेज करने का काम किया। उसके अंतर्गत महिलाओं को शुरू में हम उनकी जो बचत होती है उसके हिसाब से उसका 10 गुना पैसा हम महिलाओं को दिलवाते हैं। आज 31 समूहों को ऋण प्रदान किया गया, 1,058 समूह संचालित है हमारे ब्लॉक के द्वारा। बैंक लिंकेज राशि से अधिकतर महिलाएं जो हमारी हैं उसमें पिपलिया नानकर की और ऋषि की जो दीदियां हैं उनके द्वारा तो खासतौर से सिलाई की मशीन का सिलाई सेंटर की स्थापना के लिए जो राशि प्रदान की जाएगी उससे सिलाई सेंटर की स्थापना करेंगी। और साथ में जो जियागांव ब्रांच में जो दीदियों को ऋण स्वीकृत किया गया है उसके द्वारा महिलाएं साबुन निर्माण का कार्य करेंगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।